नमस्कार, मैं विवेका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी यह देश के नागरिकों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस का झंडा उत्तोलन पूरे भारत के कोने कोने में लोग श्रद्धा के साथ फहराएंगे। और गणतंत्र दिवस के दिन ही हमारे संविधान के मुताबिक भारत का एक नया युग प्रारंभ हुआ और 26 जनवरी को ही हमारा देश पूर्ण रूपेण स्वतंत्र माना गया और संविधान लागू ही हुआ। इसलिए आज गणतंत्र दिवस में बच्चे, बूढ़े, जवान, हर व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ झंडा उत्तोलन करते हैं और मिठाइयां बांटते और खाते हैं। उधर अगर अन्य खबरों की बात की जाए तो आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रामविलास पासवान, मृदुला सिन्हा, दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। मरणोपरांत रामविलास पासवान को आम लोगों के हित के लिए काम करने के नाम पर उन्हें दी गई है। और मृदुला सिन्हा जो पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल रह चुकी है, रामचंद्र मांझी जो एक नाट्य रूपांतरण के भोजपुरी के वो बहुत ही जाने माने नाटककार थे, और साथ ही साथ भागलपुर जिले के पीरपैती के रहने वाले डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्म से सम्मानित किया गया है। उधर नीतीश कुमार ने कहा है कि 5 बार उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न घोषित करने के लिए केंद्र को अनुशंसा कर भेजा है, लेकिन अब तक कर्पूरी ठाकुर के किए गए कार्यों को देखते हुए उन्हें भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। उधर बिहार के 18 पुलिस वाले को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की बात कही जा रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से अपने पिता को साइकिल पर साहसपूर्वक तरीके से लॉकडाउन पीरियड में, ज्योति कुमारी जो अपने पिता को साइकिल से लेकर दिल्ली से आई थी अपने घर बिहार दरभंगा तक, उसे ज्योति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। और पीएम मोदी ने सोमवार को साइकिल गर्ल के नाम से विख्यात दरभंगा की बेटी ज्योति कुमारी की बहादुरी की जमकर तारीफ की है। कलेक्ट्रेट स्थित NIC भवन में आयोजित वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्योति ने अपने बीमार पिता को साइकिल से गुरुग्राम से गांव लाकर बहादुरी का मिसाल पेश किया। कोरोना संकट में लॉकडाउन के दौरान दरभंगा की इस साहसी बेटी ने अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाया और हरियाणा गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सिंहवाड़ा प्रखंड सिरहुल्ली गांव पहुंची थी। पीएम मोदी ज्योति कुमारी के इस साहसपूर्ण काम से काफी प्रभावित हुए। उधर कटिहार और साहेबगंज के बीच गंगा पर पुल बनने की बात कही जा रही है। साहेबगंज और मनिहारी के बीच गंगा पर पुल 24 तक बना लिए जाने की बात कही जा रही है। इस पुल के बन जाने के बाद जहां एक ओर झारखंड बिहार के बीच की दूरी कम हो जाएगी, वहीं बंगाल की भी लोग के आवागमन आसान साधन माना जा सकता है। उधर लालू प्रसाद यादव की दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले में जमानत लेने के लिए लालू प्रसाद की ओर से सजा की आधी अवधि काट लिए जाने के पूरे ब्यौरे के साथ झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है। बताया गया है कि 8 फरवरी को लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी हो चुकी है। दुमका कोषागार मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी। आधी सजा काटने पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। मैं बताता चलूं आपको कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों
इलाज के दरमियान दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, उनकी हालत ज्यादा नाजुक है और उनके परिजन भी दिल्ली में ही हैं, इसलिए मांग की जा रही है कि उन्हें बेल दिया जाए। उधर राजद परिवार की ओर से राष्ट्रपति को पोस्टकार्ड भेजकर लालू यादव को रिहा करने की बात भी कही जा रही है। अब बिहार सरकार ने एक नया स्कीम लाने का सोचा है और विशेष अभियान के तहत वो तैयारी कर रहे हैं कि राज्य के हाईवे के किनारे बहुमंजिले बंगले जो बनते हैं, उन बंगले के बनने के कारण घटना दुर्घटना होती है और हाईवे के किनारे बंगले बने तो कितनी दूरी पर बने, और हाईवे के किनारे बंगले बनते हैं और सीढ़ी हाईवे की जमीन पर डाल दी जाती है, और भी कार्यक्रम हाईवे के किनारे आम लोगों द्वारा किया जाता है जिसके कारण दुर्घटना घटती है, और ऐसे हाईवे के किनारे मकान बनने के कारण अब हाईवे के रख रखाव और हाईवे के किनारे घर बनाने वाले लोगों के लिए नए कानूनी तौर तरीके अपनाए जाएंगे और नए नियम बनाए जाने के प्रस्ताव भी पेश बहुत जल्द किया जाएगा। पिछले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग की समीक्षा की। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 सुलभ संपर्कता की समीक्षा बैठक में पथ निर्माण विभाग की ओर से एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट किया गया था। विभाग की ओर से बताया गया कि देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव और बेहतर विकास के लिए नेशनल हाईवे एक्ट बना हुआ है। इसी तर्ज पर देश के कुछ एक राज्यों ने भी अपने यहाँ हाईवे एक्ट बनाया है। अन्य राज्यों के तर्ज पर बिहार में भी हाईवे एक्ट बनाया जाएगा। यानी हाईवे के किनारे घर बनाने वाले व्यक्ति अब यह समझ लें कि सरकार के एक्ट के मुताबिक ही अब वो अपने घर बना सकते हैं हाईवे के किनारे, और मनमाने तरीके से नहीं बनाया जा सकता। उधर चर्चा हुई थी कि 5, 10 और 100 रुपये के पुराने नोट बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद PIB ने खंडन किया। PIB फैक्ट चेक ने अपने ट्विटर वॉल पर उसका खबर का जिक्र किया है जिसमें यह दावा किया गया है। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि जनता दल यूनाइटेड के करीब अब लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार सिंह जो लोजपा के एकमात्र विधायक हैं, वह बहुत जल्द जदयू के संपर्क में हैं और बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड की वो सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। इसके पूर्व मैं बताऊं आपको कि निर्दलीय सुमित सिंह और जमा खान जो बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। इस सदस्यता ग्रहण के बाद अब यह कयास लगाई जा रही है कि अशोक चौधरी जो कार्यकारी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह मुलाकात कर चुके हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो बहुत जल्द जदयू को ज्वाइन करेंगे। नौगछिया भागलपुर के पूर्व SP सिटी और नौगछिया के वर्तमान SP सुशांत कुमार सरोज को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया गया है। उनके नाम की घोषणा सोमवार को की गई। उनकी अभी तक की बेहतरीन सेवा के लिए उन्हें इस मेडल से सम्मानित करने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई। SK सरोज ने मेडल दिए जाने की घोषणा के बाद खुशी जाहिर की। IPS सुशांत कुमार सरोज मूल रूप से सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सदडीहा गांव के रहने वाले हैं।
1999 बीपीएससी के तहत बिहार पुलिस सर्विस के लिए चयनित हुए थे। उधर शराब के साथ एक तस्कर को सिमरी बख्तियारपुर में गिरफ्तार किया गया है। बनवा इटहरी ओपी क्षेत्र के बनवा चौक के समीप सोमवार को बाइक से क्षेत्रों में खपाने के लिए ले जा रहे शराब के साथ एक तस्कर को रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर के पास 30 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। ओपी अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि बनवा चौक के समीप वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक युवक बाइक लेकर भागने लगा, जिसके पुलिस ने पीछा किया और उस युवक के पास से 30 बोतल शराब प्राप्त की गई है। उधर त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के पिता ने थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। इसमें थाना में क्षेत्र में थलहा गढ़िया पंचायत के जड़ैला वार्ड नंबर 11 निवासी होमगार्ड जवान बिंदी यादव का पुत्र नीरज कुमार यादव को नामजद किया गया है। लोडेड मास्केट के साथ एक को पत्थरघाट में गिरफ्तार किया गया। यह पुलिस को गुप्त सूचना मिली और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने फुरसाहा बहियार में मछली मार रहे गोलमा निवासी संतोष कुमार सिंह उर्फ नूनू सिंह उर्फ गनोरी सिंह को एक लोडेड मास्केट के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अन्य खबरों की बात अगर मैं बताऊं आपको तो पूर्णिया में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को बियाडा द्वारा मरंगा औद्योगिक क्षेत्र पूर्णिया में आवंटित प्लॉट पर क्षेत्रीय कार्यालय सह प्रयोगशाला भवन का शिलान्यास 28 जनवरी को अपराह्न 3 बजे करने की बात कही गई है, या क्षेत्रीय कार्यालय बनाने की बात कही गई है, जिससे आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होने की बात है। बट वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।